नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं अहम खबरों के साथ। बंगाल में भड़की हिंसा के दो दिन बाद आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर से कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने हिंसा को बढ़ावा दिया है, जबकि हम प्रचार के जरिए विपक्ष पर हमला करते हैं। ममता राज में हमारे करीब 60 कार्यकर्ताओं को मारा गया। ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्यासागर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। हम लोग तो गेट के बाहर सड़क पर थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अलवर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मेरे लिए अलवर गैंगरेप का मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। राहुल ने कहा, पीड़िता को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मऊ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में ममता दीदी लोकतंत्र विरोधी मानसिकता में बंगाल में सब कुछ कर रही है। दीदी का रवैया तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अब इसे पूरा देश भी देख रहा है। अलवर गैंगरेप को लेकर उन्होंने मायावती पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले राजस्थान के अलवर में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था। वहाँ भैंची के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने चुनाव को देखते हुए उस दलित बेटी के साथ हुए इस राक्षसी अपराध को छिपाने की कोशिश की थी। बिहार में आज बीजेपी के साथ ही जेडीयू ने बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा कि राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तापसी पन्नू की थ्रिलर फिल्म गेम ओवर का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें तापसी व्हीलचेयर पर नजर आ रही हैं और उनकी पहचान एक रहस्यमय लड़की के रूप में दिखाई दे रही है। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में ज्यादातर घर के अंदर के दृश्य को ही दिखाया गया है। आश्विन सरवनन ने इसे निर्देशित किया है और वाई नॉट स्टूडियो ने रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। CHECK मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है CA आजकल इंडिया @gmail.com।